तो गाइस फाइनली देखो हम गिरिडीह के सस्ते कश्मीर में पहुंच चुके एक बार फिर से। तो गाइस फाइनली हम लोग गिरिडीह के सस्ते कश्मीर में पहुंच चुके। तो हे गाइस हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार कैसे आप सब। आज की इस नई एक और इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग में फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं शॉप पे हूँ और जैसे कि आप पिछले ब्लॉग में देखे होंगे समझ में आ गया होगा कि मैं अभी कहाँ पे आया हूँ। तो अभी मैं शॉप पर हूँ, अभी सुबह के 7 बज गए और अभी हम लोग खास जगह फिर से जाने वाले एक अच्छी घूमने के लिए। तो आज जो है वो हम बसंती को लेकर के नहीं जा रहे, बसंती आज यहीं रहने वाली है। हम लोग किसी दूसरे साधन से वापस जा रहे हैं। तो मैं दिखाता हूँ कि मेरे साथ कौन कौन है, कितने सारे लोग जा रहे हैं और मैं अभी कहाँ पर हूँ और मैं कैसे जा रहा हूँ। तो गाइस मिलते हैं। तो यार इसको डीजल पिलाते हैं और फिर निकलते हैं। तो गाइस फाइनली देखो हम गिरिडीह के सस्ते कश्मीर में पहुंच चुके एक बार फिर से। तो गाइस फाइनली हम लोग गिरिडीह के सस्ते कश्मीर में पहुंच चुके और इसके बाद अभी और आगे जाना है और भी आपको इंटरेस्टिंग और डेंजरस सीन्स दिखानी है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ मेरे सारे पलटन पीछे क्या कर रहे हैं। सभी का जो मेरे पलटन सब है वो ओ भाई यहाँ जस्ट बोलेरो के पीछे ये लोग कश्मीर को इंजॉय कर रहे हैं, कोई फोटो शूटिंग कर रहा है। पोज बेहतरीन पोज देकर के खड़ा है। तो गाइस अब ये देखो गिरिडीह का सस्ता कश्मीर। ये गिरिडीह मुख्य सिटी से करीब 50-55-60 किलोमीटर, लगभग 60 से थोड़ी सी ज़्यादा किलोमीटर डोरंडा से राइट साइड आने के बाद आपको ये वाली सीट नज़र आती है। बरसात के मौसम में यहाँ का जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होता है। अभी हरियाली थोड़ी आपको कम नज़र आ रही होगी लेकिन अभी सुबह के 7:30 हो रहे, अभी भी शन आसमान में सूरज जो है वो बाहर निकल चुका है। नजर जो भी कोई लोग इस रोड से पहली बार या फिर जब भी पास हो रहा होता है तो यहाँ पर एक बार रुक करके, ये सबसे टॉप वाला है क्योंकि इसके बाद नीचे हमको भी जानी है। जो आप सड़क देख पा रहे हो तो ये सड़क ऐसे घूमते हुए और आगे तक जाती है, हम लोग उधर भी जाएंगे अभी। तो वहाँ पर जाने के बाद आपको उधर का भी सीन दिखाएंगे। तो ये जो है ये पूरे इलाके की सबसे टॉप वाली प्लेस है। तो यहाँ से आकर जितने भी लोग हैं जो उधर से पास होते हैं तो एटलीस्ट एक बार तो यहाँ पर ज़रूर रुकते हैं और यहाँ का जो सुंदर दृश्य है उसका नज़ारा का सुंदर नज़ारे का दीदार करते हैं। तो कैसे हम लोग झारखंड के सस्ते कश्मीर में जो कि गिरिडीह में स्थित है और गिरिडीह मुख्यालय से करीब 60 या 65 किलोमीटर दूर तीसरी प्रखंड में ये जगह है वो पड़ता है। अब जब तीसरी प्रखंड के डोरंडा से राइट साइड लेते हो, अच्छा डोरंडा तो आपका राजधान में ही है ना, हम इस डोरंडा से जब राइट साइड लेते हो तो उस रोड से आप तीसरी प्रखंड में प्रवेश करते हो। तो वो तीसरी प्रखंड में प्रवेश करने के जस्ट बाद जो घाटी वाटी आती है उसको पार करने के बाद ये वाली प्लेस आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और डेंजरस सीन है, बहुत ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत सीन है। जैसे आप रामगढ़ वाली घाटी आपने देखा होगा जिसमें बहुत सारी डेंजरस और खतरनाक और तीखे मोड़ है, तो उसी तरह के मोड़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी है। यू टर्न, लेफ्ट टर्न, एल टर्न, पता नहीं कौन कौन सा टर्न है यहाँ पे। और ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे ना कोई भी सिम का नेटवर्क काम नहीं करता, यहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क तो है बिल्कुल नहीं है। आप जरा सा भी आप कॉलिंग कर सकते हो बट आप नेट नहीं चला सकते हो और जियो आई थिंक थोड़ी थोड़ी सी नेटवर्क पकड़ता है, तो इतनी ज़्यादा खतरनाक और ये डेंजरस सीन है यहाँ का। तो गाइस मैं आपको बता दूँ अभी हम लोग जाने वाले हैं जमामो माता मंदिर का दर्शन करने के लिए जो कि पहाड़ों के बीच में बसी हुई है। वहाँ पे एक तो छोटे छोटे गांव भी है। तो हम लोग टेढ़े मेढ़े इन रास्तों से होकर के वहाँ पे जाने वाले हैं और माता जी का दर्शन करने वाले। वैसे ये ऑफ सीज़न है, वहाँ जो मेला है या फिर जो वहाँ पे पूजा होता है वो भादव महीने में होता है और वहाँ पे एक महीने तक लगातार काफ़ी संख्या में लोग जाते हैं, बहुत बड़ी भीड़ होती है। और आपको भी दिखा देगा इस, तो वीडियो में बने रहो और अभी मेरे साथ जमा माता का दर्शन करो। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं इन तीखे मोड़ और खतरनाक सीन्स को, तो पर्वतों को पहाड़ियों को पार करते हुए हम लोग फाइनली मंदिर पहुंच चुके हैं। और अभी आपको मंदिर जा करके मैं अंदर का सीन दिखाऊंगा। अभी हम लोग सबसे पहले पूजा वूजा करने वाले, पहले इस नदी में जाके क्योंकि पीछे आपको नदी दिख रहा होगा
तो इस नदी में और इन ठंडे पानी से सबसे पहले हम स्नान करने वाले हैं, देखते कौन कौन नहाता है और फिर उसके बाद मंदिर जाके हम पूजा करने वाले, फिर आपको वहाँ का सीन दिखाते हैं। मन हो गया, अब चलते हैं मंदिर और थोड़ा पूजा कर लेते हैं। ये गाइस तो ये ऑफ सीज़न है तो इसको लेकर के ज़रा सा भी कोई भी भीड़ भाड़ नहीं है। और ये यहाँ पे ना भादों के महीने में सावन और उसके जिस बाद भादों के मंथ में जो है वो काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, यहाँ पे मेला भी लगता है और लगातार एक महीने तक वो चलता है। तो अभी हम लोग ऑफ सीज़न में आ रहे हैं क्योंकि वो हम लोग भादों के महीने में नहीं आ पा रहे क्योंकि हम लोग प्लान तो बहुत पहले से कर रहे थे। तो ये काफ़ी खूबसूरत जगह पर ये बशी हुई मंदिर है, तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं और फिर आपको अंदर से जा करके दिखा रहे हैं। सामने आप देखो ये मंदिर है और जस्ट सामने यहाँ पे एक कुआँ है, कुएँ में तो मंदिर के बाहर का सीन कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे शेड बना हुआ और शेड के नीचे जो है बहुत सारे पंखे लगे हुए और ये यात्रियों के लिए है जो लोग यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं लाइन उस टाइम में जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा होता है, तो उस लाइनिंग से होकर के जा रहा होता है। ऊपर में शेड भी है, शेड के ऊपर पंखे हैं और आज भीड़ बहुत कम है, अभी कोई भी नहीं है, लगभग एक दो गिने चुने हुए लोग यहाँ पे आते हैं अभी। तो हम लोग भी आए हुए तो इसके अंदर भी हम लोग अंदर जाएंगे और यहाँ पे पूजा करेंगे। तो जम्मा माता का मंदिर जो उस प्रकार से यहाँ पे आपको सामने से ऐसे दिखता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा वातावरण शांत है यहाँ का। लोकल है जो इससे पहले भी यहाँ पे आया जब मेला लगता उस टाइम में मिला था। कब आया था? आए थे एक महीना, वो भादो महीने जो मेला उस टाइम आया था। कितना भीड़ रहता है? लाखों कौन सा लॉजी को बहुत संख्या में लोग आते हैं ना। हाँ, पूरा भरा हुआ रहता है, ग्राउंड की तरह दिख रहा है इधर। मेला कहाँ लगता है? यहीं पे लगता है, लाइन लगने की सुविधा रखी है। ओ, मतलब ये जो ग्राउंड खाली खाली से लग रहा है इसी में मेला बढ़ जाता है ना। लाइन लगा रहता है, लाइन उसमें लगा रहता है, ये पूरा भरा हुआ रहता है, इधर से भी लाइन रहता है। तो वो जब मेला लगता है उसी टाइम मंदिर खुला रहता है या उसके बाद में भी लोग यहाँ पे पूजा करने आते हैं? उसके बाद में भी आते हैं, मंगलवार शनिवार। नहीं, आज तो बंद लग रहा है, खुलेगा, टाइम नहीं हुआ। क्या टाइम पूजा करने? 11 बजे शुरू होता है, तो वैसे अभी सुबह के 9 ही बज रहे हैं और इसलिए मंदिर जो है अभी खुला, अच्छे से खुला हुआ नहीं है। तो लेकिन हम लोग जल्दी आ गए थे, हम लोग नहा के रेडी हो गए और देखते हैं अंदर जा करके वो पाता तो ठीक है, नहीं तो फिर बाहर से ही प्रणाम वगैरह करके हम लोग निकल जाएंगे। लेकिन अब जब उतना दूर से यहाँ आए ही हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे, अच्छा लगेगा। तो अभी सुबह के 9:30 बजने वाले हैं और हमने फाइनली पूजा वूजा कर लिया सभी लोग और अब उठाते हैं गाड़ी और चलते हैं। फाइनल हम यहाँ पे निकल चुके हैं, सभी बंदे लोग एकदम गिन के हम बैठा लिए हैं, कोई छूट नहीं गया है। अरे सबको बैठ गया ना, गिन के तो छूटा तो नहीं, सब आ गया है, सबको बैठा हुआ है और अब चलते हैं। वैसे लोग नहा के वापस घर पर पहुंच गए, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज का, बहुत नेक्स्ट लेवल रहा, बहुत सारे लोग हम लोग थे तो फिर बहुत ही ज़्यादा हम लोग इन्जॉय किए। तो बस आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बाकी सभी दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। तो गाइस मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में। ए रवि भैया क्या कर रहे हैं अभी? फिर से का फायदा उठा रहे, फुल इस्तेमाल करो तेरी। वाह।